गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? नाउ वी विल रीड लेसन नंबर 3. डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 3 रीड करेंगे. लेसन का नेम है साउंड ऑफ वोवल्स, यानी कि स्वरों की साउंड, यानी कि आवाज़, स्वरों की आवाज. साउंड ऑफ ए, ए की साउंड. लेट अस रीड द फ्लोइंग वर्ड्स एंड नोटिस द फ्लैट साउंड ऑफ ए. निम्नलिखित शब्दों को पढ़ें और नोटिस साउंड के फ्लैट जो साउंड है, ए की साउंड है, जो उसको ध्यान दें. बच्चों, ये हमारे पास पिक दे रखी है. जैसे कि ए से स्टार्ट होने वाला क्या है? बैग, बी ए जी, बैग. ए आ रहा है इसमें साउंड, ए की आ रही है. नेक्स्ट है रैग, आर ए जी रैग, ए की साउंड आ रही है. नेक्स्ट है टैग, टी ए जी टैग. नेक्स्ट है वॉल, वी डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, ए की साउंड आ रही है इसमें. नेक्स्ट है बॉल, बी ए डबल एल बॉल, ये किसकी पिक्चर है? कार, सी ए आर कार. नेक्स्ट है जार, जे ए आर जार. नेक्स्ट है हमारे पास कैन, सी ए एन कैन, ए की साउंड आ रही है. फैन, एफ ए एन फैन. नेक्स्ट है पैन, पी ए एन पैन. नेक्स्ट हमारे पास है बैट, बी ए टी बैट. नेक्स्ट है मैट, एम ए टी मैट. नेक्स्ट है एच ए टी हैट, हैट. नेक्स्ट है हमारे पास साउंड ऑफ ई, ई की साउंड आए. लेट अस रीड फ्लोइंग वर्ड्स एंड नोटिस द शॉर्ट साउंड ऑफ ई. बच्चों, ये जो उनसे इन वर्ड्स को रीड करते हैं, जो उनसे उसमें साउंड दे रखी है ई की. ई डबल जी आर फर्स्ट वर्ड है एग, ई डबल जी एग, ई की साउंड आ रही है. नेक्स्ट है लेग, एल ई जी लेग, ई की साउंड है इसमें. नेक्स्ट है पैग, पी ई जी पैग. नेक्स्ट है बेल, बी ई डबल एल बेल. नेक्स्ट है सेल, एस ई ई डबल एल सेल. इसके बाद है वेल, डब्ल्यू ई डबल एल वेल. नेक्स्ट हमारे पास है डेन, डी ई एन डेन. नेक्स्ट है एच ई एन हैन, इसमें ई की साउंड आ रही है. बच्चों देखो, अगला है पेन, पी ई एन. नेक्स्ट है हमारे पास जे ई टी जेट. नेक्स्ट है नेट, एन ई टी नेट. इससे अगला है वेट, डब्ल्यू ई टी वेट. इसमें इन सारे वर्ड्स में किसकी साउंड आई है? ई की. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारे पास साउंड ऑफ ई, आई. साउंड ऑफ आई. लेट अस द रीड फ्लोइंग वर्ड्स एंड नोटिस द शॉर्ट साउंड ऑफ आई. बच्चों इन वर्ड्स को रीड करते हैं और नोटिस करते हैं कि इसमें से आई की साउंड आए. नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट है एस आई पी, सिप. आई की साउंड आ रही है. ठीक है, सिप. नेक्स्ट है डिप, डी आई पी डिप. नेक्स्ट है एल आई पी लिप, हिल, एच आई डबल एल हिल. रिंग, आर आई एन जी रिंग. नेक्स्ट है हमारे पास विंग, डब्ल्यू आई एन जी विंग. इसके बाद है हमारे पास बीन, बी आई एन बीन. नेक्स्ट है पिन, पी आई एन पिन. टिन, टी आई एन टिन. नेक्स्ट है बिब, बी आई बी बिब. निब, एन आई बी निब. नेक्स्ट है लीड, एल आई डी लीड. बच्चों ये जो से सारे वर्ड्स हैं, इसके अंदर किसकी साउंड आ रही है? आई की. ठीक है, इन वर्ड्स को हमने रीड किया है, इसके अंदर कौन से वर्ड यूज हुए हैं? आई, आई की साउंड आई है. नेक्स्ट है हमारे पास साउंड ऑफ ओ. लेट अस द रीड फ्लोइंग वर्ड एंड नोटिस द शॉर्ट साउंड ऑफ ओ. बच्चों इन वर्ड्स को रीड करते हैं और साउंड ऑफ ओ. जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास लॉग, एल ओ जी लॉग. नेक्स्ट है डॉग, डी ओ जी डॉग. नेक्स्ट है रोड, आर ओ डी रोड. नेक्स्ट थर्ड फोर्थ है हमारे पास टॉप, टी ओ पी टॉप. एम ओ पी मोप, सी ओ पी कोप. ओ की साउंड आ रही है ना. अब नेक्स्ट है हमारे पास सी ओ टी कोट. नेक्स्ट है पी ओ टी पोट, एच ओ टी हॉट. F O X fox, B O X box, next है O X ox. बच्चे इन जितने भी वर्ड्स हैं, इसके अंदर किसकी साउंड आई है? O की. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साउंड ऑफ U. लेट अस द रीड फ्लोइंग वर्ड एंड नोटिस द शॉर्ट साउंड ऑफ U. बच्चों इन वर्ड्स को पढ़ते हैं और इनकी साउंड देखते हैं. U की साउंड आएगी इसमें से. फर्स्ट वर्ड है टब, D U B. देखो इसमें U की साउंड आ रही है. नेक्स्ट है कब, C U B कब. नेक्स्ट है नन, N U N नन. नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ बग, B U G बग. नेक्स्ट है जग, J U G जग.
नेक्स्ट है मग, एम यू जी मग. नेक्स्ट है बन, बी यू एन बन, जी यू एन गन. इसके अगला वर्ड है सन, एस यू एन सन. इसमें से किसकी साउंड आ रही है वर्ड को बोलते हैं तो यू की. नेक्स्ट है हमारे पास एच यू टी हर्ट, हर्ट में किसकी साउंड आ रही है यू की. नेक्स्ट है नट, एन यू टी नट, नट में से किसकी आ रही है साउंड यू की. ठीक है. नेक्स्ट है रब, आर यू बी रब. नाउ वी विल स्टार्ट बैक एक्सरसाइज. बच्चों अब हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद वोवर्स ओ यू एंड टू नेम द पिक्चर. बच्चों चित्रों को नाम देने के लिए वोवर्स ओ यू के साथ रिक्त स्थान बनना है. ये जो उनसे पिक्चर्स दे रखी हैं इनको पहले देखना है किसकी है. इसके अंदर हम फिल करने के लिए वोवर्स का यूज़ यानी कि ओ और यू का यूज़ करेंगे. जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है किसकी है फ्रॉग. फ्रॉग में क्या आता है ओ, एफ आर ओ जी फ्रॉग. नेक्स्ट है किस चीज की पिक्चर है ये बॉक्स की है तो बी ओ एक्स बॉक्स. नेक्स्ट है बस, बी यू एस. नेक्स्ट है एन यू एन नन, ये किसकी पिक्चर है नन की, एन यू एन नन. बच्चों दोबारा से बता रही हूँ मैं, एक बार दोबारा से क्लियर कर रही हूँ. फिल इन द ब्लैंक्स विद वोवर्स ओ एंड यू टू मेक द पिक्चर. बच्चों इन वर्ड चित्रों को देखना है, इन पिक्स को देखना है और फिर देखना है कि इसमें से हमने ओ और यू का यूज़ करना है. वोवल्स में ओ और यू का यूज़ करना है इन पिक्चर्स को देखने के बाद. पहले पिक्चर्स किसकी है, पहली फ्रॉग, एफ आर ओ जी. ओ यू बोला ना एक यूज़ करना है दोनों में से तो एफ आर ओ जी. नेक्स्ट है बॉक्स, बी ओ एक्स, ओ का यूज़ हुआ. नेक्स्ट है बस, बी यू एस. नेक्स्ट है नन, एन यू एन नन. नेक्स्ट है बी पार्ट, लुक एट द पिक्चर carefully and write the word of for each of them. चित्रों को बच्चों ये जो चित्र दे रखे हैं, पिक्चर्स दे रखी हैं, उसको ध्यान से देखें, उनमें से प्रत्येक के लिए सही शब्द बताएं. पहले इन पिक्चर्स को देखना है फिर उसको बताना है कि किस चीज़ की पिक्चर है ये. फर्स्ट है हैट, एच ए टी हैट. सेकेंड पिक्चर किसकी है बॉक्स, बी ओ एक्स बॉक्स. नेक्स्ट पिक्चर किसकी है वेट, डब्ल्यू ई टी वेट. नेक्स्ट है रिंग, आर आई एन जी रिंग. नेक्स्ट है मैट, एम ए टी मैट. नेक्स्ट पिक्चर किसकी है कब, सी यू बी कब. नाउ अगेन रीड, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ऑफ देम. बच्चों इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें और इनमें से बताएं कि पते के लिए कौन सा सही शब्द है. पहले पिक्चर को देखना है फिर उसका नेम लिखना है किसकी पिक्चर है ये. जैसे फर्स्ट पिक्चर दे रखी है हैट, एच ए टी हैट. नेक्स्ट है बॉक्स, बी ओ एक्स बॉक्स. नेक्स्ट पिक्चर किसकी है वेट, डब्ल्यू ई टी वेट. नेक्स्ट पिक्चर किसकी है रिंग, आर आई एन जी रिंग. नेक्स्ट मैट, एम ए टी मैट. नेक्स्ट है कब, सी यू बी कब. नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट. Now we will start C part. Write four words ending with. बच्चों डैश के साथ ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके साथ समाप्त होने वाले चार शब्द लिखने हैं. जैसे कि फर्स्ट वर्ड है सी यू पी, लास्ट में यू पी, यू पी से एंड होना चाहिए वर्ड का. क्या बनेगा कब, सी यू पी कब. नेक्स्ट है एस यू पी सब, पी यू पी पप एंड यू पी अप. इन सब वर्ड्स किसके साथ, यू पी के साथ, इन वर्ड्स के साथ एंड होना चाहिए. ये चार वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि यू पी लास्ट में लगे. ठीक है. जैसे कि नेक्स्ट है ओ टी, सी ओ टी कॉट, एन ओ टी नॉट, पी ओ टी पोट, एच ओ टी हॉट. नेक्स्ट है थर्ड ए टी एट, आर ए टी रेड, सी ए टी कैट, एच ए टी हैट, एम ए टी मैट. नेक्स्ट है ई टी, डब्ल्यू ई टी वेट, एन ई टी नेट, एम ई टी मैट, जे ई टी जेट. नेक्स्ट है फिफ्थ आई पी, लिप हिप, एस एच आई पी शिप, एस आई पी सिप. बच्चों अगेन रीड, राइट फॉर वर्ड्स एंडिंग विद.
बच्चों ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके साथ समाप्त होने वाले चार शब्द लिखने हैं, जैसे कि फर्स्ट चेस सी यूपी, ऐसा वर्ड बनाना है जिसके लास्ट में यूपी लगे, ठीक है, ये वर्ड्स लगे लास्ट में। जैसे कि फर्स्ट में बनाया हमने यूपी लगा सी यूपी कप, देखो यूपी लगा लास्ट में, एस यूपी सब लगा, पी यूपी पप यूपी लगा लास्ट में, एंड यूपी। सेकेंड है ओ टी, सी ओ टी कॉट। नेक्स्ट है एन ओ टी नॉट, पी ओ टी पोट, एच ओ टी होट। थर्ड है ए टी आर ए टी रैट, सी ए टी कैट, एच ए टी हैट, एम ए टी मैट। नेक्स्ट है फोर्थ ई टी डब्ल्यू ई टी वैट, एन ई टी नेट, एम ई टी मैट, और जे ई टी जेट। फोर फिफ्थ है आई पी लिप, एल आई पी लिप, एच आई पी हिप, एस एच आई पी शिप, एंड एस आई पी सिप। नेक्स्ट है डी पार्ट्स, ड्रॉ लाइन्स टू जॉइन द पिक्चर्स विद द वर्ड्स, शब्दों के साथ चित्रों में शामिल होने वाली रेखाएं खींचनी है। बच्चों पहले पिक्चर देखनी है किसकी है, और फिर जो उनसे उसके वर्ड्स दे रखे हैं इनको जॉइन करना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर किसकी है, फैन की, तो हमने वर्ड देखना है कौन सा है फैन, तो उसके साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट देखना है किसकी है ये पिक्चर, बॉक्स, तो बॉक्स के साथ मैच करना है। नेक्स्ट किसकी है लॉक, तो लॉक के साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट किसकी है कप, कप कहाँ है ये वर्ड्स जो लिखे हुए इनके साथ मैच कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉक, सी ओ सी के कॉक, इसके साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास रीड फन वाला टॉपिक, रीड द वर्ड्स एंड राइट द वोवल्स इन द बॉक्सेस वन हैज बी डन फॉर यू। रीड द वर्ड्स, शब्दों को पढ़ें और जो बक्से में दे रखे हैं वोवल्स को लिखें। एक आपके लिए करके दिखाया गया है, जैसे कि बी ए जी बैग दे रखा है, इसमें से हमने पहले रीड करना है, और जो वोवल है, वोवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, इन पांच शब्दों में से जो भी आता है वो नीचे बॉक्स में लिख देना है। जैसे कि पहला वर्ड है बैट, बैट में से क्या है वोवल, ए ई आई ओ यू, कौन सा है ए, तो हमने ए लिख दिया। अब नेक्स्ट है बी आई जी बिग, बिग में से कौन सा है वोवल, आई, तो इसे भी लिख दिया। नेक्स्ट है डग, डी यू जी डग, यू हमारा वोवल है तो हमने उसको भी लिख दिया। डी ए डी डैड, ए हमारा क्या है वोवल, इसको भी लिख दिया। नेक्स्ट है आर ए टी रेड, ए हमारा क्या है वोवल। नेक्स्ट है आर ई डी रेड, ई लिख दिया इसे। नेक्स्ट है हमारे पास एच यू टी हट, यू, यू हमारा क्या है वोवल है। नेक्स्ट है हेड, एच ए डी हेड, ए हमारा क्या है वोवल। नेक्स्ट है टेन, टी ई एन, ई हमारा क्या है वोवल, टी ए एन, ए हमारा क्या है वोवल, तो इसे हमने चुन के लिख दिया। नेक्स्ट है मैन, एम ई एन, ए हमारा क्या है वोवल, नीचे बॉक्स में लिख दिया। एम आई एक्स, आई हमारा वोवल है तो हमने आई लिख दिया। नेक्स्ट है कट, सी यू टी कट, वोवल सेक्स, यू हमारा वोवल है तो हमने नीचे लिख दिया। सी ओ टी कॉट, ओ हमारा वोवल है तो नीचे लिख दिया, ठीक है। सैड, एस ए डी सैड, ए ए आएगा। सी एस आई डी, आई हमारा वोवल है। पिन, पी आई एन, आई हमारा क्या है वोवल, पी ए एन ए, ए हमारा वोवल है। नेक्स्ट है बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद वोवल्स ए ई एंड आई टू नेम द पिक्चर्स, चित्रों के साथ नाम देने के लिए स्वर ए ई और आई का यूज के साथ रिक्त स्थान भरे। वन हैज बी डन फॉर यू, एक आपके लिए दिया गया है। बच्चों पहले इस पिक्चर को देखना है और इसको हमने इसमें से वोवल भरना है, ए ई और आई, इन पिक्चर्स को पूरा करना है। देखिए फर्स्ट पिक्चर किसकी है, जा, जे ए आर, तो कौन सा लगेगा ए, तो हमने ए वाला यूज कर दिया, ए वोवल। नेक्स्ट है किसकी पिक्चर है ये, रेड, आर ए टी रेड, इसमें भी क्या लगेगा ए। नेक्स्ट है थर्ड वेल, डब्ल्यू ई डबल एल, ई यूज हुआ तो हमने ई वोवल लगा देना है। नेक्स्ट है फोर्थ किंग, के आई एन जी किंग, आई, आई यूज होगा, के आई एन जी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। बच्चों अब हम पैराग्राफ रीड करते हैं, माय स्कूल, मेरा विद्यालय। फर्स्ट लाइन है हमारे पास, आई रीड इन डी आर एम सेकेंडरी स्कूल, मैं डी आर एम सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ।
सेकेंड है इट इज़ वेरी फेमस स्कूल, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है। थर्ड है इट हैज़ 50 rooms, इसमें 50 कमरे हैं। फोर्थ लाइन है इट हैज़ 35 teachers, इसमें 35 teachers हैं। फिफ्थ है इट हैज़ अ वेरी बिग प्लेग्राउंड, इसमें एक बड़ा खेलने का मैदान भी है। सिक्स्थ लाइन है देयर आर अबाउट 1500 students इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में लगभग 1500 students पढ़ते हैं। सेवन्थ है इट हैज़ अ बिग लाइब्रेरी, इसमें एक बड़ा पुस्तकालय भी है। एट्थ है मिसेस सुदेश शर्मा इज आवर प्रिंसिपल, श्रीमती सुदेश शर्मा हमारी प्रिंसिपल है। नाउ अगेन रीड, मैं एक बार दोबारा से रीड कर रही हूँ इस राइटिंग पैराग्राफ को। पैराग्राफ राइटिंग का नेम है माई स्कूल, मेरा विद्यालय। फर्स्ट लाइन है आई रीड इन DRM सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल, मैं DRM सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी फेमस स्कूल, यह बहुत प्रसिद्ध स्कूल है। इट हैज़ 50 rooms, इसमें 50 कमरे हैं। फोर्थ है इट हैज़ 35 teachers, इसमें 35 अध्यापक हैं। फिफ्थ है इट हैज़ अ वेरी बिग प्लेग्राउंड, इसमें एक बड़ा खेल का मैदान भी है। सिक्स्थ लाइन है देयर आर अबाउट 1500 students इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं। इट हैज़ अ बिग लाइब्रेरी, इसमें एक बड़ा पुस्तकालय भी है। एट लाइन है मिसिस सुदेश शर्मा इज आवर प्रिंसिपल, श्रीमती सुदेश शर्मा हमारी प्रिंसिपल है, हमारी मुख्य अध्यापिका है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंग्लिश में लेसन नंबर 3 रीड किया है और आज हमने इस लेसन की बैक एक्सरसाइज भी रीड की है। डियर स्टूडेंट, आई होप आप सबको समझ आया होगा। आपको घर पर इसे दोबारा से रिवाइज करना है। और बच्चों, आज मैंने आपको ऐसे भी पढ़ाया है माई स्कूल, कौन सा है पैराग्राफ राइटिंग माई स्कूल, आपको इसे भी लर्न करना है और राइट भी करना है। डियर स्टूडेंट्स, जो भी काम आपको स्कूल से दिया जाता है वे अच्छे ढंग से व साफ सुथरे ढंग से फेयर कॉपीज में करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस ट्रिप।